नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में अस्पतालों को लेकर। भारत समेत पूरा विश्व कोरोना महामारी को झेल चुका है। इस दौरान एक ही चीज लोगों के जहन में याद आती थी और वह थी अस्पताल। किसी तरह से हमने देखा कि अस्पतालों में लोगों की लाइन लगते हुए कई लोगों की जान सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण चली गई। ऐसे में पूरे विश्व को लगा कि हमें अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बार फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है। खासकर भारत जैसे विकासशील देश को तो और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार सरकार ने यह लक्ष्य अगले 5 सालों तक प्राप्त करने का फैसला लिया है। ऐसे में अगर हम बिहार सरकार के आंकड़ों को देखें तो साल 2027 में प्रदेश के 26 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाने की बात कही गई है। अगर हम प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या की बात करें तो 13 जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अभी वर्तमान में चल रहे हैं। बता दें कि इन कॉलेजों में वर्तमान में MBBS की पढ़ाई हो रही है। इन 20 कॉलेजों में से 12 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो सरकारी हैं, जबकि 8 मेडिकल कॉलेज निजी तौर पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने मुंगेर और पूर्वी चंपारण में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नए वित्तीय साल में 1207 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। अगर हम बिहार में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वर्तमान के सीटों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कुल MBBS की सीटों की संख्या जो है 2540 है। इतने ही सीटों पर बिहार में अभी जो है पढ़ाई चल रही है, नामांकन हो रहा है। अब बिहार सरकार की तरफ से जारी नए प्रस्ताव के अनुसार 13 मेडिकल कॉलेज खोले जाने के बाद इसके बाद से अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो 4500 हो जाएगी। इतना ही नहीं, अस्पताल में जहां डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो वहीं अस्पतालों में बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके बाद से करीब 20,000 बेडों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में खासकर बिहार जैसे स्टेट में अगर 20,000 नए बेडों की संख्या होती है तो यह एक तरह से कहने बिहार सरकार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही CM नीतीश कुमार की एक इच्छा यह भी है कि बिहार में मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में जैसे ही MBBS छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी वैसे ही मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खेलकूद विश्वविद्यालय को लेकर राजगीर में काम चल रहा है। पटना में बन रहा है देश का सबसे बड़ा अस्पताल। अगर हम बिहार में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में है। यहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर और सहरसा में 2-2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। इसके साथ साथ दरभंगा, बेतिया और पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सासाराम, नालंदा के पावापुरी में 1-1 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि वर्तमान में काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक बार फिर से निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि इस बार PMCH को इस बार आधुनिक बनाया जा रहा है। वर्तमान में यहां पर अगर हम बेडों की संख्या की बात करें तो 1750 बेड हैं, जबकि इसकी बढ़ोतरी करने के बाद इसमें बेडों की संख्या जो है 5460 बेड वाला अस्पताल बनने वाला है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा और दुनिया में यह जो है दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है राजधानी पटना में बनने जा रहा है। अब हम जान लेते हैं किन किन जिलों में जो है नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि जमुई, बक्सर, सिवान, पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, वैशाली के महुआ, आरा के भोजपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुंगेर व पूर्वी चंपारण में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इन नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों की संख्या 150 रखी गई है। साथ ही साथ हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो बेड होंगे वो 500 से 1000 बेड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा केंद्र सरकार देश भर में 6 एम्स में फैमिली मेडिसिन का PG कोर्स जो है वो शुरू करने जा रही है। इसका लक्ष्य है कि हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए जो है इस तरह के फैसले लिए गए हैं। बता दें कि फैमिली मेडिसिन की PG की पढ़ाई पटना एम्स, रायपुर, ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर और भोपाल में शुरू की जाएगी। इन संस्थानों में कोर्स की प्रक्रिया को देखने के बाद यानी कि यहाँ से कैसे रिजल्ट सामने आते हैं उसके बाद देश के अन्य राज्यों में जो है इसकी शुरुआत
की जाएगी। अगर कोई छात्र फैमिली मेडिसिन से MBBS करता है तो उसके पास अभी भी रास्ता खुला है कि वो MD कर सकता है। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार ने एक बड़ी खबर आम लोगों के लिए दी है और ये राहत की बात है, क्योंकि कोरोना की जिस तरह से लहर हमने देखा है, 3 लहर देख चुके हैं हम और चौथी लहर की बात जो है वो कही जा रही है। ऐसे में जिस तरह से 13 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की बात कही गई है, ऐसे में कहा गया है कि 20,000 बेडों की संख्या बढ़ोतरी हो सकती है, तो यह एक बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।